साथियों 2014 के पहले के 10 साल में देश जिन नीतियों पर चला था वो वाकई देश को कंगाली की राह पर लेके जा रही थी इस बारे में संसद के इसी सेशन में हमने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर के एक व्हाइट पेपर भी रखा है आज उसकी चर्चा भी चल रही है और मुझे मैं आज जब इतना बड़ा ऑडियंस है तो अपने मन की बात भी बता देता हूं कि व्हाइट पेपर में जो आठ लाया हूं ना वो मैं 2014 में ला सकता था राजनीतिक स्वार्थ अगर मुझे साधना होता तो वो आंकड़े मैं 10 साल पहले देश के सामने रख देता लेकिन 2014 में जो चीजें मेरे सामने आई मैं चौंक गया था अर्थव्यवस्था हर प्रकार से बहुत गंभीर स्थिति में थी घोटाले और पॉलिसी पैरालिस्टिक्स को लेकर पहले ही दुनिया भर के निवेशकों में घोर निराशा व्यापी थी अगर मैं इन चीजों को उस समय खोल देता जरा भी एक नया गलत सिग्नल जाता तो शायद देश का विश्वास टूट जाता लोग मानते डूब गए अब नहीं बच सकते हैं जैसे किसी मरीज को पता चले ना कि तुम्हें एक गंभीर बीमारी है तो आधा तो वहीं खत्म हो जाता है देश का वही हाल हो जाता पॉलिटिकली मुझे वो सूट करता था वो सारी चीजें बाहर लाना राजनीति तो मुझे कहती है वो करो लेकिन राष्ट्र नीति मुझे वो नहीं करने देती और इसलिए मैंने राजनीति का रास्ता छोड़ा राष्ट्र नीति का रास्ता चुना और पिछले दस साल में जब सारी स्थितियां मजबूत हुई है कोई भी हमला झेलने की हमारी ताकत बन चुकी है तो मुझे लगा देश के सामने सत्य मुझे बता देना चाहिए चीजें खुलकर के रख देनी चाहिए और इसलिए मैंने कल पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर पेश किया है उसको देखोगे तो पता चलेगा हम कहां थे और कितनी बुरी स्थितियों से निकल करके आज हम यहां पहुंचे हैं